हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप लोगों के लिए एकेडमी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो आज आप लोगों का जो एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो था उसमें आप लोगों को 2.4 का जो है फोर सवाल जो कम्प्लीट करवा दिए थे, आज आप लोगों को फिफ्थ नंबर के सवाल से हम जो है आगे करवाने वाले हैं। तो आप सभी को जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि वीडियो जैसा ही शुरू होता है तो उससे पहले आप लोगों को अपनी बुक और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए ना कि हम आप लोग पढ़ा क्या रहे हैं। और जो कुछ भी हम आप लोग पढ़ाते हैं आप ही लोगों की बुक में से ही पढ़ाते हैं, सो आप लोग प्लीज अपना बुक कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाना है। और जो कुछ भी हम आप लोग पढ़ाते हैं उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप उनको नोट नहीं करोगे, आप यदि उनको ओनली समझना चाहते हो तो आसानी समझ सकते हो, उसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला आप लोगों का क्वेश्चन होने वाला है, फिफ्थ नंबर से हम शुरुआत करने वाले हैं इसकी, तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, आप लोगों को अपनी बुक में देखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बायलिंगुअल लैंग्वेज जो हम आप लोगों करवाने वाले हैं। तो सिब्बू के बारे में बात हो रही है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है सिब्बूज मदर पेरेंट्स एज इज 6 टाइम ऑफ सिब्बू, मीन सिब्बू की जो माँ की आयु है, सिब्बू की आयु की 6 गुनी है, सिब्बू की माँ की आयु सिब्बू की आयु की 6 गुनी है। सिब्बूज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, मीन्स 5 साल बाद सिब्बू की आयु, सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु है उसकी 3 गुनी हो जाएगी। वो बोल रहा है आप लोगों से कि 1/3 हो जाएगी। वॉट आर देयर पेरेंट एज, तो उनसे उनकी माँ की आयु से पूछी गई है। तो आइए तो वीडियो को जो क्वेश्चन शुरू करते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को अपनी बुक निकाल करके देख लेना है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं, क्या पूछा गया है हम लोगों से, सिब्बू की माँ की आयु पूछी गई है। तो हम शुरुआत करते हैं, मान लिया लेट माना सिब्बू की, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, माना सिब्बू की वर्तमान आयु मान लिया हमने x वर्ष। अब आप लोगों को क्या दिया गया है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ही चल रहा है, तो उसकी आयु, उनकी आयु क्या करना है, पेरेंट मतलब उनकी माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी होगी, वर्तमान जो सिब्बू की आयु होगी माँ की आयु सिब्बू की आयु की 6 गुनी है। तब सिब्बूज पेरेंट्स एज, देन सिब्बू की माँ की आयु सिब्बू की माँ की आयु की यदि हम बात करें तो 6 गुनी होगी, मीन्स इसका कितना होने वाला है 6x वर्ष। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन में इसको दिया गया है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल बाद क्या होगा दोस्तों, आफ्टर 5 ईयर मीन्स 5 वर्ष बाद सिब्बू की आयु, आफ्टर 5 ईयर सिब्बूज एज बाद सिब्बू की आयु कितना होगा दोस्तों, x+5 ईयर होगा, क्योंकि 5 वर्ष में सीधा सीधा जुड़ना है, तो x+5 वर्ष। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को कॉपरेट करना है, मैं इंग्लिश आप लोगों को बोलता जा रहा हूं, आफ्टर 5 ईयर सिब्बूज एज क्या होगा इसका, x+5 ईयर एंड 5 वर्ष बाद सिब्बू की माँ की आयु कितना होगा, ये दिया गया है 6x+5, ये हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना है, आफ्टर 5 ईयर जो है सिब्बू की आयु, मीन सिब्बू की 5 साल बाद सिब्बू की आयु, सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु की जो है 1/3 हो जाएगी। ये बोला गया है आप लोगों को, एक बार फिर से क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ प्रश्नानुसार सीधा सीधा बोलते हैं क्या, प्रश्नानुसार बोला गया है सिब्बू की आयु 5 साल बाद सिब्बू की आयु, 5 साल बाद सिब्बू की आयु ये रही, मीन्स x+5 ईयर 5 साल बाद सिब्बू की आयु सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी, तो उसमें सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु ये थी और ये 1/3 रह जाएगी, तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसको 1/3 करना पड़ेगा कि नहीं। ओके, क्योंकि हम यदि इन दोनों को इक्वली करना चाहते हैं तो वो बोला है 5 साल बाद सिब्बू की आयु सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब यदि ये 1/3 हो जाएगी तो हमें इसको 1/3 करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होंगे ना। इसको शुरू करते हैं, ये कट जाएगा आप लोगों का 2x रहेगा यहाँ और ये होगा x+5, ये होने वाला है आप लोगों का 2x। वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, तो ये आप लोगों का 5 हो जाएगा और देन ये आप लोगों का 2x माइनस का x हो जाएगा, देन x का जो वैल्यू आप लोगों का 5 आने वाला है।
आप लोगों से पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया आप लोगों से कि सिब्बू की माँ की आयु, सिब्बू पेरेंट्स से पूछा गया ना, सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु जो निकलने वाली है, इसमें आप लोगों का क्या निकलने वाला है दोस्तों। हमने क्या माना था, वर्तमान आयु 6x, एक्स का जो वैल्यू आप लोग 5 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ 6 × x ये आएगा आपका 30 वर्ष, तो मीन्स 30 वर्ष सिब्बू की माँ की आयु रहेगी। आप लोगों का ये आप लोगों का सही आंसर है। एक बार फिर से चलते हैं, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि सिब्बू की वर्तमान आयु सिब्बू की माँ की आयु की 6 गुनी है। सिब्बू की माँ की आयु सिब्बू की वर्तमान आयु की 6 गुनी है, 6 गुनी कर दी हम लोगों ने। 5 वर्ष बाद की यदि बात होती तो 5 वर्ष बाद जो है हमें इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे, तो सिर्फ 5 वर्ष बाद सिब्बू की माँ की आयु इतना हो जाएगा। अब प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष बाद सिब्बू की आयु, 5 वर्ष बाद सिब्बू की आयु ये रहेगी, सिब्बू की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यदि ये 1/3 हो जाएगी तो हमें इसको 1/3 करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन तो बनाना है, इसको बराबर करने के लिए 1/3 कर दिया, उसका सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं फिर से बोलना चाहूंगा यदि आप लोग समझ नहीं आया तो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, आप लोग संडे कमेंट बॉक्स में हमसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से पूछ सकते हो। ओके, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ लेना है जब तक मैं आप लोगों का रफ करता हूँ। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और केवल पढ़ना ही, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यदि आपने पढ़ा नहीं तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, तो आप लोगों को पढ़ना तो होगा ही। जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ बेस्ट देने का हमारा कोशिश जो रही है, तो हम आप लोगों का जो तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसको शुरुआत करते हैं। ये रहा आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है, आप लोगों का क्या कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन, महली गांव में, तो आप लोगों का दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल। एक जो है स्कूल के लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है रिजर्व था पहले से ही, महली गांव में, इन महली प्लेस, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लेट इन रेशियो 11:4। तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो थी उन्होंने 11:4 माना, कितना माना, 11:4। तो आप लोगों से क्या कहते हैं, एट द रेट 100 रुपए per meter इट विल कॉस्ट द ब्लेस पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब उसको फेंस करवाने के लिए जो है ब्लेस की पंचायत ने 75,000 रुपए दिए हैं, तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट की आप लोगों को लंबाई चौड़ाई आप लोगों को फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 11:4 आप लोगों को दिया गया है, तो इसको शुरुआत करके यहीं से हमें हिंट मिली है। क्या मान लिया, लेट द प्लॉट लेंथ इज, माना प्लॉट की लंबाई, या लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट कॉपरेट किया करो, क्योंकि मैं आपको बोलता जरूर हूं, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, माना प्लॉट की लंबाई, की लंबाई, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 11:4 दिया गया, तो इसको हमने 11x मान लिया। यहाँ पे आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला इसमें आप लोगों को चौड़ाई का भी दिया गया है, तो लेट देन चौड़ाई क्या होगी, माना प्लॉट की लंबाई इतनी है, देन चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई, प्लॉट की चौड़ाई, ये मैं आप लोगों का जो करता हूँ ये डबल टेस्ट, ये सेम ऊपर लिखा रहता है उसके लिए किया जाता है, तो कितना माना जाएगा, 4x। अब आप लोगों से क्या बोला गया है, बोला क्या है आप लोगों से कि जो है इसके फेंसिंग करवानी है इसकी, अब इसकी फेंसिंग करवाने के लिए पंचायत ने 75,000 रुपए दिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यदि रेक्टेंगुलर होगा तो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा ना। अब इसकी हमने लेंथ मान ली 11x और ब्रेथ मान ली 4x, यदि ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा। अब यदि फेंसिंग करवानी है तो ऐसा तो है नहीं बीच में होगी फेंसिंग, फेंसिंग तो चारों ओर बाउंड्री पर ही होगी, तो फेंसिंग करवाने के लिए क्या हमें इसका परिणाम ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो उसी हिसाब से, तो हम उसी हिसाब से तार लाएंगे। यदि आप लोगों को कुछ भी करना है तो पहले माप के ले जाते हैं ना, कितना लेयर चाहिए, एक्स वाई डी जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए होता है तो पहले माप के ले जाना होता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना हो, पहले इसकी परिमाप ज्ञात करनी होगी। परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, यदि रेक्टेंगुलर की यदि परिमाप की यदि बात करें तो ये होता है 2 × length + width, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप लोगों का लेंथ कितना दिया गया 11x और ये रहा आप लोगों का 4x। मीन्स यदि पेरीमीटर की बात करें तो आप लोगों का होने वाला है परिमाप, पेरीमीटर होगा आप लोगों का 13x। मीन्स बोला गया है 30 मीटर इसका परिमाप है, कितना है 30 मीटर। अब बात करते हैं 30 मीटर परिमाप की, और 100 मीटर की दर से जो है पंचायत ने रुपए दिए हैं, 100 मीटर
₹100 पर मीटर, मतलब ₹100 की दर से भूखंड की लंबाई जो है बाढ़ करवाने के लिए उसने रुपए दिए हैं, तो कितने रुपए दिए होंगे ₹100 प्रति मीटर के हिसाब से, ₹100 पर मीटर के हिसाब से, के हिसाब से कुल रुपए से, कुल रुपए, कुल कितने रुपए खर्च होंगे दोस्तों, कुल रुपए की यदि हम बात करें तो कितने होंगे, लंबाई इसका पेरीमीटर कितना निकला है हमारा 30, और वो ₹100 पर मीटर दे रहा है, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 300x, 300x होगा x, इतने रुपए हमारे खर्च होना चाहिए। अब प्रश्नानुसार आप लोगों को क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें APQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप लोगों से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है आप लोगों से कि पंचायत ने उसे ₹75,000 दिए हैं, तो मीन्स जो 3,000 हमारे खर्च होने वाले हैं किसके बराबर है, 75,000 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों का कट जाएगा 3 से 3, तो आप लोगों का x जो कटने वाला है 25 आएगा, x का जो वैल्यू आप लोगों 25 आया। अब आप लोगों को फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ एंड ब्रीथ मीन डायमीटर, जो डायमेंशन की बात की गई, तो लेंथ एंड ब्रीथ आप लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों ने लेंथ और ब्रीथ क्या माना था, लंबाई चौड़ाई जो आप लोगों का माना था 11x और 4x माना गया था। अगर ये लेंथ की हम बात करते हैं तो लेंथ दिया गया था 11x, मीन 11 × 25, इसका हम यदि करते हैं तो ये आप लोगों का 5 एंड ये 2 जाएगा, ये 27 मीन्स 275 मीटर की लेंथ होगी, और यदि ब्रीथ की बात करें तो 100 मीटर इसकी ब्रीथ होगी, क्योंकि सीधा यदि 25 को 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप लोगों के आंसर हो चुके हैं 25 मीटर एंड 100 मीटर। ओके, एक बार और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आप लोगों का जैसा कि लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो दिया गया था आप लोगों को 11:4, तो मैंने उसको 11x और 4x हमने इसको मान लिया है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है यदि रेक्टेंगुलर की हम बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर कुछ इस प्रकार का दिखता है, अब यदि लेंथ और ब्रीथ की बात करते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, अब पेरीमीटर की बात करते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों को बाढ़ लगवाना है तो चारों तरफ ही तो लगवाओ इसकी बाउंड्री के पास ही, अब यदि बाउंड्री के पास हमको लगवाना है तो उसके लिए हमें पेरीमीटर की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हमने पेरीमीटर इस तक फाइंड कर लिया है, पेरीमीटर आप लोगों क्या है 13x। अब इसी के साथ हम आप लोगों को जैसा कि उन्होंने बताया है कि ₹100 पर मीटर को देने वाले हैं, अब हमारा पेरीमीटर 13x आया है, तो ₹100 पर मीटर के हिसाब से कुल रुपए कितने वाले मिलने वाले हैं 3000, अब पंचायत ने दिए हैं 75,000, तो इसके हिसाब से मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोगों का x का वैल्यू आ गया है, उसी के साथ आप लोगों का लेंथ एंड ब्रीथ आप लोग इसका x का मान पुट करके ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, और फिर भी यदि नहीं आता है तो फिर से बोलना चाहूंगा संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, इसको आप लोगों को जो है नोट कर लेना है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेना है आप लोगों, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन जो आप लोगों को बोलने वाला है क्वेश्चन कहता है दोस्तों आप लोगों को, और जल्द से जल्द हम आप लोगों को जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट सभी टीचर आप लोगों को बाइलिंगुअल लैंग्वेज और विद हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाला है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है इसको। ओके, इसी के साथ हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल का है, सो आप लोगों को पहले 1 से 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन आप लोगों का हाई लेवल का है, हसन की बात चल रही है, तो हसन व्हाई 2 किट्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म सेट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 15 पर मीटर एंड 1000 मटेरियल दैट कॉस्ट इज 90 रुपए पर मीटर, मींस जो हमारा कौन है हसन है, बच्चों के स्कूल के लिए ड्रेस के लिए कपड़े खरीदता है, और जो स्कर्ट मीन शर्ट के लिए जो आता है उसके लिए आता है 50 रुपए पर मीटर, और जो पैंट के लिए मीन ट्राउजर के लिए जो आता है वो 90 रुपए पर मीटर के हिसाब से आता है। क्वेश्चन को थोड़ा और पूरा लेकर ही चलते हैं, क्या कहता है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही वाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, 3 मीटर यदि शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है तो उसे 2 मीटर जो है ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदना पड़ता है, तो यहाँ पर रेशियो सीधा सीधा दिया गया है कि आप लोग 3 मीटर यदि शर्ट के लिए मटेरियल खरीदते हो तो आप लोग 2 मीटर जो है ट्राउजर के लिए भी खरीदना होगा। ही सेल्स मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज 36,600, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, मीन्स आप लोगों से पूछा गया है यदि उसे 10% और 12% के प्रॉफिट पर जो है रिस्पेक्टिवली बेचता है मीन्स कम से दिया गया है, देन आप लोगों का टोटल सेल कितना होता है 36,600 रुपए, तो आप लोगों को सीधा पूछा गया है कि उसने कितना ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा गया था, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले भी आप लोगों को एक बार बुक से पढ़ लेना है,
क्वेश्चन का लेवल इसका थोड़ा सा हाई है और अच्छा है। क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेशन से समझना है, क्वेश्चन आप लोगों से कहता क्या है। तो क्वेश्चन के लिए आप लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि आप लोगों को मैचिंग निकालना क्या है, पतलून की लंबाई मीन्स आप लोगों को ट्राउजर के लिए कितना पैंट दिया गया था ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो रेस्पेक्ट में उसने पहले ही दे दिए कि इसके लिए आप 3 मीटर खरीदते हो तो इसके लिए 2 मीटर खरीदना ही पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं, माना लेट, क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो माना पतलून के लिए लून ट्राउजर पतलून के लिए कपड़े की लंबाई की लंबाई कितना है, हमने ये ऐसा एल ला बना दिया, कितना होगा आप लोगों का 2S। तब देन किसके लिए, ये आप लोग पतलून हो गया शर्ट के लिए, हाँ शर्ट के लिए कितना लेता है रिस्पेक्टिवली, यदि उसके लिए शर्ट के लिए 3 मीटर लेता है तो उसके लिए कितना 2 मीटर लेना पड़ता है। तो ये लंबाई कितनी होगी दोस्तों 3X। ओके, यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को सीधा सीधा उसने जो दिया गया है कि यदि साइड के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदना है तो ये पतलून के लिए उसे 2 मीटर कपड़ा खरीदना ही होता है। आगे आप लोगों क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वो पतलून जो खरीदता है ड्रेस का जो साइज होता है उसमें यदि कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है तो 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदता है। तो इस प्रकार से उसको जो है 2 मीटर उसने कपड़ा खरीदा है तो 2 मीटर जो है पतलून का कितना दे रहा था, मीन शर्ट के लिए जो दे रहा था पतलून के लिए 90 रुपए पर मीटर। तो हम देखते हैं 90 रुपए मीन 2X मीटर उसने खरीदा है, 2X मीटर ये मीटर आप लोगों का होगा, तो 2X मीटर कपड़े की जो कीमत क्या होगी, क्योंकि इसने बोला है कि 90 रुपए जो लेता है तो पतलून के 2X मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, पतलून के 2X मीटर लिया ना 2X मीटर कपड़े का मूल्य पतलून के 2X मीटर कपड़े का मूल्य क्या होने वाला है दोस्तों, ये मूल्य होगा आप लोगों का क्या 90 रुपए पर मीटर को आप लोगों दे रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को देख लेना है। तो 90 रुपए पर मीटर दे रहा है तो इसमें आप लोगों का 90 × 2X होगा और ये होने वाला है 118X रुपए। ओके, इसी के साथ आप लोग यदि शर्ट की बात की जाए तो शर्ट के लिए कितने रुपए लेगा, शर्ट के लिए 3X मीटर कपड़े का मूल कितना दे रहा, 3X और रेट क्या दे रहा है 50 रुपए दे रहा है ना, तो आप लोगों का 150 रुपए इसका हो जाएगा 150X रुपए। ओके, अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी वजनदारी और दमदारी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया, वो आपने विक्रय मूल्य, अब उनको क्या है वो मैं सोच रहा था कि ये इसको पहनने के लिए ले जा रहा है लेकिन ये तो बहुत ही नकारा टाइप इंसान निकला, इसको बेचने के लिए ले जा रहा है तो बेचना शुरू करता है, तो बेचने के लिए क्या करता है इसका यदि विक्रय मूल्य करता है, पहले किसको शुरुआत करता है पैंट के लिए, तो कमीज के कपड़े का जो है लाभ उसने 12% कमाया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा कमीज के कपड़े की यदि बात करें, कमीज के कपड़े के इसने 12% कमाया है, कमीज का कपड़ा कहां गया ये रहा 150 मीटर 150 रुपए था इसका, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो कमीज के कपड़े के मूल्य की यदि बात की जाए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है आप लोगों का क्रय मूल्य पुस्तक में 100+ लाभ प्रतिशत बटा 100, ये आप लोगों का विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। तो क्रय मूल्य आप लोगों का क्या शर्ट का क्या दिया गया था, कमीज यानी शर्ट यही होता है, तो इसके लिए आप लोगों का दिया गया 150 रुपए, साथ ही इसमें 12% की इसको लाभ होने वाला है, तो 12% की यदि हम बात करें तो 12% होगा, तो इसका कितना यदि इसको ऐड करते हैं तो 12% 112 हो जाएगा बटा आप लोगों का होने वाला है 100, इससे ये कटने वाला है, इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप लोगों का आने वाला है 15×3 से, और ये आप लोगों का 3 आएगा 15×3 18 और ये आप लोगों का 1 × 15 = 16 और upon 10 है तो इसे कट जाएगा, तो मीन 168 रुपए का जो है ये आप लोगों का कमीज का कपड़ा जो है बिकने वाला है। एक्स इसमें ना भूल जाना, छोटी सी गलती आप लोगों को वापस ला सकती है। सो आप लोगों को आशा करता हूं यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, क्या दिया है कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य आप लोगों का आ गया 168X। ओके,
आगे मैं इसके लेकर चलने वाला हूँ। पतलून के कपड़े पर जो लाभ कितना होता है 10% का, पतलून के कपड़े के लिए हम क्या करने वाला है, पतलून के कपड़े का लाभ 10% हमको दिया गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका विक्रमूल पतलून के कपड़े का विक्रमूल थोड़ा ऊपर से मिटाना शुरू करते हैं। इसको आसानी से मिटा सकता हूँ दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि आप स्टूडेंट हो, लेकिन हम आप लोगों को दोस्त इसीलिए बनाकर के चलते हैं क्योंकि एक फ्रेंड जो आप लोगों को बात समझा सकता है, शायद आप लोगों के टीचर, आप लोगों के गुरु माता कोई नहीं समझा सकता, इसीलिए हम आप लोगों को दोस्त बनाकर ही समझाते हैं। तो इसी के साथ यदि पतलून की बात की जाए तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, पतलून के कपड़े के विक्रय मूल्य की यदि हम बात करते हैं तो आप लोग कितना होने वाला है, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य होने वाला है दोस्तों, क्या दिया गया था, पहले तो दिया गया था 3x और टोटल आ रहा था आप लोगों का 180x। तो मींस मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य था इसका 180x, लाभ प्रतिशत पूरा है 110 हो जाएगा और बटा 100 ये कट जाएगा आप लोगों का। इसका यदि आप एड करते हो सॉरी मल्टीप्लाई करते हो 18 × 11 तो ये आप लोगों का कितना आने वाला है 11 × 8 मीन्स 8 और ये होगा आपका 111 एंड ये आप लोगों का होने वाला है 198 आप लोगों का इसमें जो है होने वाला है 198 इसका विक्रय मूल्य आप लोगों का होने वाला है। अब टोटल विक्रय मूल्य की बात करते हैं, कुल कितना रुपए बिका है, कुल विक्रय मूल्य फैट और जो है कमी जो पतलून का टोटल की बात करें, कुल विक्रय मूल्य की हम बात करें तो जोड़ते हैं 198x और ये आप लोगों का 168x जोड़ते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा x और ये 88 ये हो जाएगा आप लोगों का 6 और ये पावर जाने वाली है आप लोगों का 1 पावर जाने वाली है 1 तो ये आप लोगों का 10 6 हो जाएगा और ये आप लोगों का होगा 3। ये आप लोगों का हो गया है टोटल कुल विक्रय मूल्य आप लोगों का हो गया है 366। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी, कुल विक्रय मूल्य क्या है, मीन्स आप लोगों का शर्ट का जो विक्रय मूल्य था और जो आप लोगों का पतलून का विक्रय मूल्य था उसको हमने ऐड कर दिया है। आगे मैं आपको ले चलने वाला हूं, आगे आप लोगों से क्या कहता है, आगे जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना है कि उसने जो लेकर जो दिया हुआ कुल विक्रय मूल्य का कितना था, 36,600 रुपए उसका कुल दिया हुआ विक्रय मूल्य था, तो वो क्या है, कितने के बराबर हो रहा है, इसके बराबर होना चाहिए। ATQ एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से कि जो 366 का विक्रय मूल्य हो रहा है कुल कितने के बराबर होना चाहिए, 36,600 रुपए के। क्यों, क्योंकि जो फाइनल इसमें आप लोगों का बुक में जो दिया हुआ है वह इतना 12% और 10% के लाभ पर बेचकर जो है 36,600 रुपए में जो है प्राप्त करता है, 36,600 रुपए प्राप्त करता है। तो इसके लिए आप लोगों का इस प्रकार से इक्वल होगा क्योंकि टोटल विक्रय मूल्य हमारा ये है और टोटल ये प्राप्त करता है। एक्स का जो वैल्यू होगा ये आप लोगों का कट जाएगा सीधा सीधा तो आप लोगों का 100 आने वाला है, कितना 100 एक्स का जो वैल्यू 100 आ गया। अब आप लोगों से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना है, आप लोगों को पूछा गया है पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया है उसकी लंबाई आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों पहले ही बता था कि पतलून के लिए जब शर्ट के लिए कितना खरीदता है 3 मीटर तब पतलून के लिए 2 मीटर खरीदता है, तो पतलून के लिए खरीदा गया कपड़े की लंबाई हम लोगों ने 2x मानी गई थी शुरुआत में ही, माना गया था कि नहीं, तो 2 और x की यदि बात करें तो 100 हमारा आया है, इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 मीटर आप लोगों का हो जाएगा, मीन्स पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदा गया है उसकी जो लंबाई आप लोगों का 200 मीटर आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये था आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यदि इसमें फिर भी आप लोगों को परेशानी होती है तो मैं आपको बता चुका हूँ संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा हम लेकर के आते रहेंगे क्योंकि आप लोगों की परेशानियां दूर करना ही हमारा काम है और इसी के लिए हम लोग आपके सामने आए हुए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और बराबर नोट भी करते रहना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, क्वेश्चन को देखते हैं और शुरुआत करते हैं। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से क्या कहता है, निकाल लीजिएगा अपना 8 नंबर का क्वेश्चन। बात की जा रही है हिरणों के बारे में, तो बात करते हैं क्या कहता है हिरणों के बारे में।
हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, एक जो है हर्ड ऑफ डियर होता है आप लोगों का हिरणों का जो झुंड होता है वो दिया गया है, आर गार्जिंग इन द फील्ड एंड थ्री फोर ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। टोटल झुंड में आप लोगों से जो है हिरणों की संख्या पूछी गई है, दिया गया है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और शेष का तीन चौथाई भाग जो है कहां कर रहा है, पड़ोस में ही जो खेलकूद रहा है, शेष बचे नौ हिरण का, नौ हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने एक एक्चुअल संख्या दी गई है कि जो शेष बचे हुए हैं वो कहां तालाब में पानी पी रहे हैं, वो दिया गया है शेष बचे हुए तालाब में पानी जो है पी रहे हैं। तो इसको शुरुआत करते हैं, तो आप लोगों को हिरणों के कुल झुंड में कितने लोग हैं ये आप लोग फाइंड करना है, तो हम मान ही लेते हैं कि हिरणों के झुंड में जो हिरणों की संख्या माना, कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का एट नंबर का, माना हिरणों के झुंड में, हिरणों के झुंड में कुल हिरणों की संख्या, कुल हिरणों की संख्या, तो संख्या हमने मान रखी है दोस्तों, इसको माना है हम लोगों ने x, कितना मान लिया x। अब ये आप लोगों से क्या कहता है, आधे मीन्स आप लोगों का टोटल हमने x माना है, आधे मीन्स आधे हाफ होगा x by 2 का, तो आधे कहां चल रहा है मैदान में, तो मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या कितनी मानी जाएगी, मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या कितना होगा आप लोगों का एक्स वाई टू होगा, क्योंकि आधे चल रहे हैं ना, जैसा ही क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है एक्स वाई टू होगा। अब आप लोग क्या कहा गया है पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या, पड़ोस में जो खेल रहे हैं वो क्या है बचे हुए का तीन चौथाई खेल रहे हैं, तो बचे हुए कितने होंगे, तो आप मैं बताता हूं, पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है टोटल के एक तीन चौथाई खेल रहे हैं, थ्री फोर्थ ऑफ जो बचे हुए हैं टोटल एक्स थे और कितने आसपास खेल रहे हैं ये एक्स वाई टू, अब बचे हुए यही क्योंकि टोटल ये थे और ये मैदान में चलने के लिए चले गए, अब बचे हुए ये क्योंकि इसमें से इसको हटा दें कोई लोग तो बचेंगे, इतने लोग खेल रहे हैं कितने तीन चौथाई लोग, इतने लोग आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं मैदान में खेल रहे हैं, इनका यदि हम एक्चुअल निकालें तो आप लोगों क्या हो जाएगा थ्री फोर्थ एक्स और माइनस आप लोगों का हो जाएगा थ्री एक्स वाई कितना एट हो जाएगा। अब आपको आगे आप लोगों क्या करना है, दिया गया है सीधा सीधा आप लोगों का दिया गया है मीन्स एक्स करके ले जाना है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए ओके। अब आगे मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा पानी पी रहे हिरणों की संख्या, आप लोगों को एक्चुअल दिया गया कितना नाइन, कितना दिया गया नाइन, इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, ये रहा आप लोगों का थ्री एक्स एंड ये आप लोगों का हो गया एट, एंड इसको यदि आप पूरा सॉल्वेंट करते हैं तो आप लोग क्या होने वाला है, यदि इसका एट एलसीएम लेते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा थ्री टू या सिक्स एक्स और माइनस का थ्री एक्स ही रहेगा, तो इसको यदि आप टोटल करते हो तो थ्री एक्स वाई एट आप लोगों का ये बचने वाला है ओके। अब पानी पी रहे हिरणों की संख्या दी गई है, पानी पी रहे हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या कितनी दी गई है नौ, अब पानी पी रहे हिरणों की संख्या दी गई है, अब आप लोगों को एक बार क्वेश्चन में और झांक के देखना है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कुल हिरणों की कितनी संख्या है, अब भैया आप कुल हिरणों की संख्या थी हमने तो एक्स मान रखा था तो सबको जो कुछ भी चल रहे हैं जो घूम रहे हैं जो खेल रहे हैं उन सबको जोड़ देना है, किसके बराबर एक्स के बराबर रख देना है, यही होगा आप लोगों का, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों के सामने हो रहा है, जो झुंड में कुल हमने एक्स माने थे, मैदान में चल रहे हैं एक्स वाई टू, उसने बोला था कि हाफ चल रहे हैं जितने भी थे उनसे एक बटे एक जो आधे जो है मैदान में घास चल रहे हैं पड़ोस के मैदान में खेल रहे हैं कितने तीन चौथाई बचे हुए थे, तो इसमें से इसको हटा देंगे तीन चौथाई चल रहे हैं तीन बटे तीन एक्स बटे एट
और पानी पी रहे हैं 9, तो टोटल आप कुल हिरणों की संख्या आपको याद करना है। कुल हिरणों की संख्या, कुल हिरणों की संख्या, कुल हिरणों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों क्या होने वाला है, मैं आपको यहां लिख के दिखाने वाला हूं। यहां से आप लोगों का पूरा ऐड नहीं हो पाएगा, मैं ऊपर इसको जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको मिटा सकता हूं आसानी से। कुल हिरणों की संख्या की यदि हम बात करें तो कितने होने वाले हैं दोस्तों, पहले जो आप लोगों का था कितना मान लिया था हमने, आधे क्या चल रहे थे, आधे घास चल रहे थे, उससे जो है टोटल 3x/8 मीन्स आप लोगों का प्लस 3x/8 ये क्या कर रहे थे दोस्तों, पड़ोस के मैदान में खेल रहे थे और 9 जो है क्या कर रहे थे, पानी पी रहे, जो टोटल कितने का बराबर होने वाला है, एक्स के बराबर। बस करना क्या है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, इसको इधर लेके आते आना है तो एक्स बाई टू ये होगा आप लोगों का 3x/8 ये हो जाएगा माइनस का x/1 ये आप लोगों का उधर हो जाएगा माइनस का 9। बस यहां तक बस आप लोग यही पूरा क्रियाक्रम रह गया है, तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। आप लोग क्या कंटिन्यू नोट करते जाना है, जिसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं हो। इतना हो गया। अब एलसीएम यदि आप इसका लेते हो कितना आने वाला है, एलसीएम जो आप यदि इसका लोगे तो एलसीएम जो आने वाला है वो होगा आप लोगों का ए, कितना होगा ए। इससे यदि इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यदि रैशनल नंबर जो वाला जो आप लोगों का एड और सबका आप लोगों का आता है तो इस प्रकार से ही आता है। तो इसके यदि आप इसको अब ये जोड़ दिया गया सबका जो है जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आप लोगों का कितना आने वाला ए। अब 8 यदि आपने एलसीएम ले लिया तो इसका इसमें डिवाइड देते हैं, 4 टाइम्स जाएगा 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3x, तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 8 जाएगा और 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8x हो जाएगा, ये रहा आप लोगों का माइनस का 9। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का आने वाला है 7x आने वाला है, तो 7x माइनस का 8x हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं पूरा कर देता हूँ, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x माइनस का 8x और इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 8, 12 प्लस मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का है, इसमें यदि माइनस करते हैं तो ये आप लोगों का होने वाला है माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 72, माइनस से माइनस इसको काट दिया जाएगा, एक्स का जो वैल्यू आप लोगों का 72 आ गया है। अब एक बार क्वेश्चन जो चलते के क्वेश्चन तो हमने बता दिया, अब आप लोग क्या पूछेगा, झुंड में हिरणों की संख्या, तो क्षमा चाहूंगा सीधा एक्स ही पूछा गया था कि झुंड में हिरणों की संख्या हमने कितना माना था एक्स, तो झुंड में हिरणों की संख्या कितनी आने वाली 72, इसमें आप लोगों का 72 राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। मैं आप लोगों को जो है पढ़ाने के लिए कोई भी क्लास आप लोगों की एब्सेंट नहीं की जाएगी, आप लोगों को हर एक चीज इस चैनल पर उपलब्ध होगी, बस थोड़ा सा हम लोगों को समय दीजिए, अभी हमारा शुरुआत है, सो आप लोगों को प्लीज सपोर्ट और कॉपरेट तो हमें करना ही होगा। ओके, जिसको शुरुआत करते हैं, क्या दिया गया इसमें आप लोगों का, ये सब कुछ हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ, इसमें बता सकता हूँ 10 नंबर का क्वेश्चन है, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन को रीड कर लेना है, सॉरी से ये आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन था, कौन सा था, 8 नंबर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को लेकर चलने वाला हूँ 9 नंबर के क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्या कहता है, एक बार पढ़ लेना है आपको आसानी से, बुक रीडिंग तो करना ही चाहिए, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा क्या चल रहा है। तो नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, दिया गया है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड हर प्रेजेंट एज। हमारे जो दादाजी है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री मीन्स अपनी जो पुत्री होती है उसको कहते हैं, मतलब बेटा की बेटी इस कॉल्ड पौत्री, तो पौत्री की आयु की 10 गुनी है, उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक भी है, तो उन दोनों की आयु आप लोगों को जो फाइंड करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कुछ दिया ही नहीं गया, पौत्री की आयु के जो है उन दोनों की आयु याद करना है, तो आप लोग मान लिया, माना पौत्री की आयु, 9 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, माना लेट ग्रांड डॉटर इज, डॉटर दिया गया ना, आप लोग क्वेश्चन में एक बार और देखना है क्या दिया गया है, ए ग्रांड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रांड डॉटर, तो मींस जो आप लोगों का डॉटर है, माना पौत्री, ग्रांड डॉटर माना पौत्री की आयु, वर्तमान आयु मानना होगा ना हम लोगों को, तो पौत्री की आयु हम लोगों ने मान लिया एक्स वर्ष, कितना एक्स वर्ष, माना पौत्री की आयु एक्स वर्ष। अब आप लोगों को दिया गया है लैट
ग्रांड डॉटर इज एक्स ईयर. आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों को ऑलवेज वी हैव टू कॉपरेट विद मी. ओके, तो आप लोगों का दिया गया है जो ग्रांड डॉटर है उसकी एज आप लोगों को दिया गया है. अब इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है जो आपके ग्रांड फादर है, मीन्स जो पोत्री है उसके ग्रांड फादर है, वो से 10 टाइम 10 गुना ज्यादा उम्र के हैं. तो देन दादाजी की एज, देन ग्रांड फादर एज इज, तब दादाजी की एज, दादाजी की आयु कितना होगा इसका 10 टाइम्स 10x ईयर हो जाएगा. अब आप लोगों को क्या कह रहा है प्रश्न आंसर आप लोगों को दिया गया है कि इनकी जो आयु है, मीन्स दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी भी सीधा सीधा दे रहा है कि दादाजी की आयु, मतलब पोत्री की आयु एक्स वर्ष, दादाजी की मान लिया हमने 10x दिया गया है. अब दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है. अब इनको यदि बराबर करना है तो 54 वर्ष इसमें जुड़ना पड़ेगा. बस हो गया क्वेश्चन. इसमें रहा ही क्या है 54 और वेरिएबल वन साइड, नॉन वेरिएबल वन साइड. 54 ये आप लोग हो जाएगा 10x और माइनस का आप लोगों का x, यदि इसे माइनस करते हैं तो 9x आप लोगों का होने वाला है. देन 54 और देन x का जो आप लोगों का वैल्यू होने वाला है 54/9, 6 टाइम्स आप लोगों को जाने वाला है. तो x का जो वैल्यू आप लोगों का 6 होने वाला है. अब आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों की आयु आप लोग फाइंड करनी है. तो पोत्री की आयु कितना आ गया 10 और दादाजी की आयु की यदि हम बात करें तो 10 × 6 मीन्स ये होने वाला है 16 ईयर. दादाजी की आयु कितनी होगी 60 वर्ष दादाजी की आयु होगी, ये उनकी पोत्री की आयु. ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था. आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई होगी. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एक ही बार में ये क्वेश्चन हो चुका है. दोस्तों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताना है कि आप लोग घर पर बैठ कर भी आसानी से स्टडी कर सकते हो. और मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे स्टडी चैनल अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को एक ही काम करना है कि किसी एक को पकड़े रहना है. मैं आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप लोग हमारे ही चैनल को पकड़े रहिएगा, आप किसी और चैनल को पकड़िएगा, लेकिन एक को यदि आप 10 जगह बटोगे तो आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला. सो आप लोगों को एक चैनल को पकड़ना होगा. ओके, आप लोगों का 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें चलने वाले हैं. क्या कहता है आप लोगों को 10th नंबर का क्वेश्चन है, 10th नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से होने वाला है वो आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी 10th नंबर के क्वेश्चन. टेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहने वाला है, अमन, अमन के बारे में बात हो रही. क्या कहता है, अमन एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, 10 ईयर है वो, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड आवर प्रेजेंट एज. बोला क्या है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है. अमन की आयु जो है उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी, मीन्स अमन पप्पा से, पप्पा है ना, और क्या बोलेंगे, अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है. 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु 5 गुनी थी. दोनों की वर्तमान आयु आप लोगों को फाइंड करनी है. अब पुत्र की आयु जो हमें माननी पड़ेगी, यदि दोनों की आयु हमें फाइंड करना है तो क्या है, पहले का दिया गया है. आप लोगों को इसको मानते कहते हैं जिस प्रकार से उसके यदि मल्टीप्लाई किया, जैसे अमन की आयु उसके पिता की आयु की 3 गुनी है. अब अमन की आयु 3 गुनी है, उसके पिता की आयु भी है, तो उसकी पिता की आयु माननी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, अमन की आयु, तो पहले पुत्र की आयु माननी पड़ेगी. इस प्रकार से हम इनको मानते हैं. माना लास्ट और टेंथ नंबर का क्वेश्चन है, माना लेट अमन के बेटे की आयु, अमन दिया गया है अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, लेट अमन अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की यदि हम बात करते हैं तो मान लिया हमने कितना एक्स ईयर. अब अमन के पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने मान लिया एक्स वर्ष. अब आप लोग कह रहे हैं अमन की आयु 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, तब अमन की आयु कितनी होगी 3 गुनी, मीन्स होगा 3x. अमन की आयु कितनी होगी 3x. अब यदि हम बात करते हैं आप लोग क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु और अमन की आयु के बारे में बात करें, 10 वर्ष पहले क्या बोलेगा, पहले 10 वर्ष पहले लेकर के चलते हैं, 10 वर्ष पहले सब कुछ आप लोगों को इस प्रकार क्वेश्चनों में क्या है, सब कुछ जो कुछ भी रहता है आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया रहता है. सो द वेरी फर्स्ट, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप लोगों को 2 से 3 टाइम्स आप लोगों को मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को ही पढ़ना है, उसी के बाद आप लोगों को इसका आंसर आसानी से आ जाएगा. तो 10 वर्ष पहले की बात करते हैं, 10 वर्ष पहले चलते हैं. तो 10 वर्ष पहले
पहले अमन की आयु, अमन की आयु 10 वर्ष पहले यदि अमन की आयु की बात करते हैं तो x माइनस 10 ईयर होगा क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज है, इसमें से आप लोगों को 10 माइनस करना होगा। साथ ही साथ 10 वर्ष पहले यदि अमन की आयु की, अमन की पुत्र की, अमन की पुत्र की आयु है, अमन की पुत्र की आयु और ये अमन की आयु होगी, अमन की आयु कितनी होगी दोस्तों 3x माइनस का 10 कितना होगा, 3x माइनस का 10 ईयर होगा वाई ईयर, ये आप लोगों का उम्र दिया गया, वर्तमान आयु अमन के पुत्र की ये रही और अमन की आयु रही 3x। अब आप लोगों को जैसा कि उसने कह दिया है कि उसकी जो है 10 वर्ष पहले की बात हो रही, 10 वर्ष पहले क्या हुआ, 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, क्वेश्चन में आ जाना है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, बस यही आप लोगों का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु, तो अमन की आयु रही 3x माइनस का 10 और उसकी अमन की पुत्र की आयु कितना है x माइनस का 10। 10 वर्ष पहले की यदि हम बात करते हैं, 10 वर्ष पहले अमन की आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी थी, अब किसकी आयु 5 गुनी थी, अमन की आयु, अब यदि अमन की आयु 5 गुनी थी, यदि इनको बराबर करना है तो बेटे की आयु 5 गुनी करना होगा, बस सीधी सी बात है, यदि आपको इक्वल करना है तो दोनों साइड इक्वल जो आपको करना होगा ना, यदि जो 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले क्या था, 10 वर्ष पहले कुछ इस प्रकार था कि अमन की आयु, अमन की पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो ये रही अमन की आयु, अमन की पुत्र की आयु ये रही, ये 5 गुनी थी, इसको 5 गुना करना पड़ेगा इक्वल के लिए, बस हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का 3x माइनस का 10 और ये आप लोगों का 5x माइनस का आप लोगों का होने वाला है 50, कितना हो जाएगा 50, इसको यदि करते हैं तो ये इधर आ जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का 5x माइनस का 3x। ओके, यहां किए देते हैं इसको, ये रहा आप लोगों का कितना बचेगा 40 और ये रहा आप लोगों का हो जाएगा इसमें से यदि माइनस करते हैं 2x आप लोगों का होने वाला है, x की वैल्यू की यदि बात करें तो ये आप लोगों का 40 और बाय 2 होगा, मीन यदि इसको कट करते हैं तो x का जो वैल्यू है आप लोगों का 20 आने वाला है। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया अमन के पुत्र की आयु और अमन की आयु दोनों की आयु पूछी गई है, अब अमन के पुत्र की आयु और अमन की आयु हम लोगों ने ये मान ली प्रेजेंट एज पूछी गई, तो प्रेजेंट एज ये रही आप लोगों के सामने, पुत्र की जो वर्तमान आयु हम लोगों ने x ईयर मानी थी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 20 ईयर होगा, वर्तमान आयु कितना होगा 20 ईयर। अब यदि वो बात करता है तब अमन की आयु, तो इसकी 3 गुनी होगी ना, 3 × 20 ये होगा आप लोगों का 16 ईयर। ओके, तो ये आप लोगों का दोनों राइट आंसर होने वाला है 20 वर्ष और 60 वर्ष, ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए हम आप लोगों के लिए वीडियो संडे को जरूर लेकर के आएंगे, आप लोगों के पास सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, इसी के साथ हम शुरुआत कर, आप लोगों का जो आज का चैप्टर है कंप्लीट होता है, सो आप लोगों ने हमें इतना समय दिया पढ़ने के लिए और हम आप लोगों का अंत तक जो कॉपरेशन देते रहेंगे, सो प्लीज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी हम जो आप हमको कॉपरेट कीजिएगा, और इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाने वाले हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।